नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में कोरोना के नए मामलों में एक दिन बाद फिर कमी देखने को मिली है। देश में कोरोना संक्रमण के आज 149,394 नए मामले सामने आए हैं। कल यानी गुरुवार के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में आज 13% की कमी देखने को मिली है। बता दें कि कल कोरोना के 172,433 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,072 मरीजों की जान चली गई है। वहीं इस दौरान 246,674 लोग ठीक भी हुए हैं। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली मुंगेर ब्रिज सड़क सह रेल पुल का लोकार्पण 11 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण कर आम लोगों को समर्पित करेंगे। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी है। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है फिर भी लक्षण बने हुए हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। ये लक्षण लॉन्ग कोविड के हो सकते हैं। कई बार लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है लेकिन परेशानियां बनी रहती हैं। लोगों को शरीर में दर्द, जुखाम, सिरदर्द, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर ऐसा हो तो आपको एहतियात जरूर बरतनी चाहिए और अपने परिवार के लोगों से भी थोड़ी दूरी जरूर रखनी चाहिए। स्थिति में आपसे कोई भी संक्रमित हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना, मोदी सरकार ने संगठित क्षेत्र और एमएसएमई को तबाह कर दिया है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती है। नतीजा मेक इन इंडिया अब बॉय फ्रॉम चाइना हो गया है। दिल्ली में लगातार नीचे आ रहे कोविड 19 मामलों के ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कुछ और पाबंदियों में राहत देते हुए कार में अकेले यात्रा कर रहे ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दे दी है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, जिम और स्पा को भी फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना के मामले भले ही कम ज्यादा हुए हो लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। तीसरी लहर में भी एक दिन में 1100 तक मौतें दर्ज की गई हैं। गुरुवार को कुल मौत का आंकड़ा 5,00,000 को पार कर गया है। अब भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां 5,00,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 9.1 लाख लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है जहां पर 6.3 लाख लोगों की जान गई है। ठंड का सितम समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय इलाके में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में शुक्रवार को छिटपुट ओलावृष्टि की आशंका है। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बादल छाए रहने और तेज ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान काफी कम दर्ज किया गया। आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर के सामने आते ही आलिया भट्ट के फैंस सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट ने मुंबई के कमाठीपुरा की लेडी डॉन गंगूबाई का रोल अदा किया है। फिल्म में अजय देवगन का दमदार कैमियो है। बात की जाए आलिया भट्ट की तो आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए पहली वो पसंद नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ धार्मिक स्थलों को लेकर समझौता करने को तैयार है और इस पर चर्चा करना चाहते हैं। भारत ने कहा है कि इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से लोग एक दूसरे के यहां स्थित धार्मिक स्थानों तक पहुंचेंगे। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था कि श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा करने की भी इजाजत दी जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई थी। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देशभर में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। इस बीच सरकार की तरफ से हुए स्टडी में पाया गया है कि मौत का जोखिम उन लोगों के लिए 2 गुना से अधिक था जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया था या फिर आंशिक रूप से टीका लगाया गया था। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत के आंकड़ों के अध्ययन में ये बात सामने आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को संसद में अपने काफिले पर सुरक्षा उल्लंघन और हमले का मुद्दा उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ओवैसी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस बीच असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा कराने में कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे सरकार ने एम्स में हुए एक अध्ययन का हवाला दिया है जबकि इससे पूर्व हुए वैश्विक अध्ययनों में कहा गया है कि संक्रमण ठीक होने से 6 से 8 सप्ताह तक ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मृत्यु का खतरा 4 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद करीब है। चुनाव से पहले राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने बताया है कि वो किस राज्य के सीएम से प्रभावित हैं। एक कार्यक्रम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस बात का खुलासा किया है कि वो किस शख्सियत से प्रभावित है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी प्रभावित किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा कराने में कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे सरकार ने एम्स में हुए एक अध्ययन का हवाला दिया है, जबकि इससे पूर्व एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि संक्रमण ठीक होने से 6 से 8 सप्ताह तक ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इससे मृत्यु का खतरा 4 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। एक साक्षात्कार में दिल्ली के सीएम ने कहा है कि साल 2024 में अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में वो नहीं है। साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल से भविष्य के उनके राजनीतिक लक्ष्य को लेकर सवाल जब पूछा गया था, जबकि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि टीएमसी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कोई सीट पर चुनाव लड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हैदराबाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विटी का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 85वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत करने के लिए शनिवार को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अंतराल पर जन चौपाल को संबोधित करने के साथ ही प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को सराहते देखे गए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिन में गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी और नेताओं से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान वो इन सभी में जोश भी भरते देखे गए। इसके साथ ही जन चौपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े थे। कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के मद्देनजर दिल्ली में पाबंदियों में बड़ी ढील देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की थी, जिसमें दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन उसकी अवधि में 1 घंटे की कमी की गई है। अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बता दें कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष डीपी सिंह के कार्यकाल उनका दिसंबर में पहले हफ्ते में खत्म हो चुका है, तभी से यूजीसी चेयरमैन का पद खाली है। डीपी सिंह का चयन दिसंबर 2017 में हुआ था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 खिलाड़ियों का कोविड पॉजिटिव होना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। टीम के 4 बेहतरीन खिलाड़ी शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी बुधवार को पॉजिटिव पाए गए थे और उनका फिलहाल खेलना मुश्किल है। वहीं केएल राहुल पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, इसे जानने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब है। पंजाब डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के फर्जी साइन कर पुलिसकर्मियों की प्रमोशन लिस्ट जारी करने के मामले में एसआई सतिंदर पाल सिंह को चंडीगढ़ जिला अदालत से झटका लगा है। एसआई सतिंदर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो इस अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को लेकर की अपनी अपनी दलीलें दी। मामले में आरोपित एसआई के वकील ने कहा है कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लोगों ने तमाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना किया। इसने आम आदमी के जीवन को मुश्किल बना डाला है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना वायरस की वजह से मेडिकल कचरा काफी बढ़ा है, यहां लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा खराब बताया गया है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकाली गई झांकियों ने इस बार भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। अब रक्षा मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ झांकियों की सूची जारी कर दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र को खिताब मिला। साथ ही CISF को CAPF में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। वायरस का नया वेरिएंट लोगों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन जो लोग कैंसर जैसी बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं उनकी जान पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर से जूझ रहे लोगों को COVID-19 वायरस के संक्रमण से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस वायरस का संक्रमण होने पर कैंसर मरीजों के लिए खतरा काफी बढ़ जाता है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों का टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है। देश में 1 महीने में ही 65% किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 15 से 18 साल की उम्र के 65% किशोरों को 1 महीने में ही वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारतीय नौसेना के जहाज INS आदित्य ने गुरुवार को गोवा में गंभीर रूप से घायल मछुआरों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की है। मुंबई के PRO ने रक्षा सूचना दी है कि गोवा से लगभग 75 NM पश्चिम में गंभीर रूप से घायल मछुआरों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। भारत ने गुरुवार को कहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश के किशोर को उस समय यातना दिए जाने का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने उठाया है, जब वो चीनी सेना की हिरासत में था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनिरिंदम बागची ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने चीनी पक्ष के समक्ष यह मसला उठाया है।
भारत में कोविड 19 की तीसरी लहर की चपेट में अधिकतर कम आयु वाले मरीज आए हैं। मरीजों में संक्रमण के सभी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अधिक संक्रमित मरीज वैसे थे जो अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। ये जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने दी है। उन्होंने बताया है कि कोरोना की इस लहर में मरीजों के गले में खराश की समस्या अधिक थी। रूस और पश्चिमी देश के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ही भारत ने गुरुवार को रचनात्मक राजनीतिक कोशिशों के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में 3 दिन पहले इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में भारत के बयान का जिक्र किया था। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स की शेयर 24% तक गिर गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के यूजर की संख्या कम होने के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। मौजूदा स्तर पर यह किसी भी अमेरिकी कंपनी के लिए बाजार मूल्य में सबसे बड़ी गिरावट है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कार्तिक शाह गुप्ता, राजीव रंजन, रविंद्र कुमार, सुंदर प्रसाद यादव, संजय एच शाह, मोहम्मद इश्तिखार, अवध धीरज कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रेम सिंह, नीलू गुप्ता, जलेश्वर शाह, प्रिया यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के माहौल में कौन सा सोशल मीडिया साइट आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।